Hey fam, welcome back to my channel. I'm Ashri here. Hope you guys are doing very good. So 2021 is all about to finish and I thought ki main aapke saath mera makeup collection 2021 share kar lu. So this is my makeup collection, very short, and I think this is just right amount of products that I have for my makeup videos. बट जितना भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप ले लो ना, अगर आप मेकअप वीडियोस बनाते हो एंड अगर आप एक मेकअप लवर हो देन आपके लिए वो कमी है. सो मैंने और भी बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स जो अभी न्यू लॉन्च हुए हैं वही मैंने ऑर्डर करे हैं. वो आएगा तो उसका हॉल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. सो अभी मैं आपको दिखाऊँगी मेरे पास क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स है 2021 में था, मतलब है अभी 2021 खत्म होने को बस कुछ ही दिन है. सो या लेट्स स्टार्ट. ओके सो लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट, मेरे पास ह्यूज अमाउंट का मेकअप कलेक्शन नहीं है जैसे आप मोस्टली देखते हो, बट मेरे पास जितना भी है ना उतने में मेरा काम हो जाता है. बट मेरा भी ड्रीम है कि मैं बहुत ह्यूज सा मेकअप कलेक्शन बनाऊँ मेरे खुद के लिए, नॉट टू शो ऑफ, राइट. सो जब हो जाएगा ना तब मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि मैं उसे कैसे स्टोरेज करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ. बट अभी के लिए इतना है तो अभी इसी को ही देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या है. सो आई हैव टू बॉक्सेस, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. इसमें मेरा सारा फेस मेकअप का सामान है एंड इसमें सारा आई मेकअप एंड इसमें आई पैलेट्स भी है, दोस आर. एंड इसमें सारा लिपस्टिक्स एंड काजल मस्कारा यही सब रखा हुआ है. सो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. बट कहाँ से स्टार्ट करें, फेस मेकअप से. ओके सो सबसे पहले ना यहाँ पर प्राइमर एंड फाउंडेशंस रखे हुए हैं. सो मैंने ना वैसे नहीं रखा हुआ है कि पहले प्राइमर देन फाउंडेशन, यहाँ पे ना मिक्स होके पड़ा हुआ है प्राइमर फाउंडेशन कंसीलर. सो लेट्स सी. सो पहले ना मेरे पास वेट, सो पहले मेरे पास ये चीज़ है, ये शुगर का फाउंडेशन स्टिक. बहुत बेस्ट फाउंडेशन स्टिक है ये, आई थिंक मेरा बेस्ट परचेज था. आई जस्ट लव दिस वन. ये ना स्टिकी फॉर्म में आता है तो ओबियसली क्रीमी टेक्स्चर है इसका, बट मैट फिनिश देता है एंड फुल कवरेज फाउंडेशन है ये. सो मेरे पास ये है. बहुत ना डिफिकल्ट से मैंने इसे स्टोर करके रखा हुआ है. आप सोच रहे होंगे कि इतना तो इतने छोड़ मतलब बहुत ही कम सामान है तो क्या लगा होगा. भाई आपके पास चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, टाइम लगती है उसे सारा कुछ सवार के रखने के लिए. सो देन मेरे पास ये है, ये लैक्मे 925 का प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन. ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मेरी बेस्ट फाउंडेशन कैटेगरी के लिस्ट में ये भी आती है. सो इसका ना सेल्फ लाइफ था 31 दिसंबर तक 2021 तक. सो ये और ये ना फिनिश होने को ही है, बस थोड़ा सा ही बचा है जिसे मैं मेकअप लुक में कवर कर लूँगी. सो ये ख़त्म होने के बाद आई थिंक आई नीड वन मोर, मैं श्योर इसे लूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. सो नेक्स्ट ये स्टिल ऑर्डर का डबल वियर स्टेन प्लेस मेकअप फाउंडेशन. ये मुझे उतना खास पसंद नहीं आया क्योंकि ये मेरे से ब्लेंड नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने इसे यूज़ नहीं करा था. इसे मैंने अपनी वेडिंग के लिए लिया था और मैंने इसी से अपना एंगेजमेंट मेकअप भी करा था, विच वॉज सो गुड. सब ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ करा था, ये लॉन्ग लास्टिंग था, बट मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील हुआ था. आई थिंक मुझसे कोई गलती हुई थी या कुछ और था, आई डोंट नो. बट इसके साथ मैं जल्दी से वर्क स्टार्ट कर लूँगी, देखते हैं क्या होता है. सो नेक्स्ट मेरे पास ये चीज़ है एंड नेक्स्ट दिस वन, मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन. ये मेरा गो टू फाउंडेशन है. इसमें मेरा शेड है नेचुरल बफ,
शीयर कवरेज देता है, अफोर्डेबल प्राइस में आता है। तो इसका मेरे पास और एक शेड है, ये वार्म न्यूट, ये दोनों ही मेरे स्किन टोन का है, बट कैमरे में थोड़ा सा लाइट लगता है तो सबको लगता है कि मैं काली हूँ, मैं गोरी फाउंडेशन लेती हूँ। गाइज, आई एम नॉट अ डार्क स्किन गर्ल, ओके। एंड देन मेरे पास है ये प्राइमर शुगर का, बेसब ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है, मुझे सबसे अच्छा लगता है स्टे क्वेरी का मेकअप प्राइमर, जो कि मेरा पहला प्राइमर था जब मैंने मेकअप स्टार्ट करा था, मतलब मेकअप वीडियोस जब मैंने स्टार्ट करा था। अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, बट जल्दी से मैं उसे अपनी मेकअप कलेक्शन में गेन ऐड कर लूँगी। सो देन मेरे पास ये मिस क्लियर का फुल कवरेज मेकअप कंसीलर है, एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। मैं इसे मोस्टली आई मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरी शेड से बहुत ज़्यादा लाइट है, दैट्स व्हाई। एज अ कंसीलर ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, देन अच्छे से मॉइस्चराइज करके इसे अप्लाई करना, क्योंकि और भी ज़्यादा केकी लगती है ड्राई स्किन में। एंड देन मेरे पास यहाँ पर है स्टे क्वेरी के मेकअप स्टिक्स, ये है इसका कलर करेक्टर। ये दोनों में फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों के लिए यूज़ करती हूँ, एंड और एक है जो मैंने कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ। सो लेट मी शो यू दिस वन, आपने कई बार देखा होगा इसे मैंने यूज़ करते हुए। एंड दिस थ्री, इसे मैं कलर करेक्टर की तरह यूज़ करती थी, बट अभी मेरी फेस से बहुत ज़्यादा पिंपल्स कम हो गए हैं, सो आई डोंट थिंक कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। बट फिर भी फुल कवरेज मेकअप या हाई मेकअप के लिए मैं इसे ज़रूर यूज़ कर सकती हूँ। सो देन मेरे पास ये है, यह है वेट एंड वाइल्ड का मेकअप स्टिक कंसीलर है एक्चुअली। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, देन अच्छे से मॉइस्चराइज करके आप इसे अप्लाई करना, तभी जाके ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सो देन मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ ना बहुत अच्छी है, ये है शुगर का मैजिक वॉन्ड वाटर प्रूफ कंसीलर। बहुत ही बेस्ट कंसीलर है ये, अगर आप आई मेकअप लवर हो या आपके पास मेकअप कलेक्शन है एंड आप कुछ अच्छा कंसीलर ऐड करना चाहते हो मेकअप कलेक्शन में, देन आप इसे ज़रूर ऐड कर लेना, बहुत अच्छा है। अगेन ये भी ड्राई स्किन, पूरी तरह ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, अगर आपकी ड्राई स्किन है अच्छे से आप मॉइस्चराइज करें तभी जाकर इसे अप्लाई करें। ओके सो नेक्स्ट मेरे पास है ये दोनों कंसीलर, यह है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर एंड यह है निक्स का एसटी स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर। ये दोनों मैंने आपको एक साथ इसलिए दिखा दिया, ये दोनों ही एम्प्टी है, बट मैंने इसे अभी तक रखा हुआ है क्योंकि मैं इसे अगेन ऐड करने वाली हूँ। सो ये जस्ट रिसेंटली ही फिनिश हुआ है, इन दोनों को मैं अगेन ऐड करने वाली हूँ मेरी कलेक्शन में, बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड इसके बारे में क्या बताऊँ, इसके बारे में सबको पता है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, जब तक मैं न्यू ना ले लूँ तब तक ये मेरे पास ही रहेंगे। सो नेक्स्ट मेरे पास ये चीज़ है, अभी मेरे पास सेटिंग स्प्रे एक ही है क्योंकि जो था एल ए कलर्स का वो फिनिश हो गया है, तो मैंने उसे रिमूव कर लिया है कलेक्शन से। देन मेरे पास ये है शुगर का ग्रैंड फिनाले ड्यूई सेटिंग मिस्ट, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग तक सेट करने के लिए, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सो नेक्स्ट मेरे पास ये है शुगर का ब्लश स्टिक, बहुत अच्छा वर्क ये भी करता है, एक ग्लोई ड्यूई लुक देता है, सॉफ्ट सा लुक देता है। और अगर आप इसे अप्लाई करके बाद में फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना, देन ये थोड़ा सा कलर करेक्शन का भी काम करता है। एंड देन मेरे पास ये चीज़ है एनवाय बे का मेकअप प्राइमर, ब्लरिंग मेकअप प्राइमर, अफोर्डेबल है एंड काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। एंड देन मेरे पास ये चीज़ है लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, ये फेस को थोड़ा सा ब्राइटन कर देता है एंड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है फेस पे। इसका बड़ा वाला भी आता है बट मेरे पास छोटा सा ही है जो अफोर्डेबल प्राइस में 299 में है। इसका दो वेराइटी है,
मेरे पास ये है बेला वोस्टे का फाउंडेशन। ये एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है एंड बहुत अच्छे से वर्क करता है, हाई कवरेज ये देता है, सो थम्स अप फॉर दिस। देन मेरे पास ये है पर्पल का फाउंडेशन। ओके सो नेक्स्ट है ये चीज, ये एक्चुअली आई मेकअप का है, ये पर्पल का जेल लाइनर ही ये ब्लू का, बट मैंने इसे यहीं पर ही स्टोर करके रख दिया है क्योंकि वहाँ पे और स्पेस नहीं था, दस वाय। सो हाँ, कंसीलर में और एक है मेरे पास, ये मेकअप रिवोल्यूशन का कंसीलर, कंसीलर एंड डिफाइन, ये भी काफ़ी अच्छा कंसीलर है। अगर आप ब्लेंड अच्छे से कर सकते हो ना, देन इसके साथ आप जाओ। देन है मेरे पास ये लैक्मे का लूमी क्रीम, जो कि अभी ट्रेंड में है ये प्रोडक्ट एंड काफ़ी अच्छा है, रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है एंड आज ही मुझे ये पार्सल रिसीव हुई थी। ठीक है, मैंने इसे ट्राई भी कर लिया है, बहुत अच्छा है, एक ना हाईली ग्लोइंग लुक ये देता है, सो बेस्ट है। और इसका शॉर्ट रिव्यू मैं जल्दी ही डालूंगी, सो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, सो अभी मैं आप, मेरे पास कंसीलर में ना और दो पैलेट भी है, ये है इन्फो बे का कंसीलर पैलेट। इसमें कॉन्टोर शेड आपको मिल जाता है, कंसीलर मिल जाता है एंड कलर करेक्टर मिल जाता है। मुझे उस टाइम बहुत ही पिंपल की वजह से रेडनेस हो गया था जिस टाइम पे मैंने इसे लिया था, इसलिए मैंने इसका ये वेराइटी लिया जिसमें ग्रीन कलर करेक्टर था। ठीक है, क्योंकि ये रेडनेस को कैंसिल आउट करता है, दैट्स व्हाई। देन मेरे पास ये है पर्पल का कंसीलर पैलेट। मैंने सोचा नहीं था ये इतना अच्छा वर्क करेगा, बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। इसमें इतने सारे वेराइटीज़ आते हैं, आप इसे अपनी पूरी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑल स्किन टाइप के लिए है ये। ओके सो फेस मेकअप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो मेरे पास ये है लैक्मे का 925 सीसी क्रीम, ये सबके पास होता है एंड सबका फेवरेट होता है, सो मेरे पास ये भी है, एक छोटा सा था जो फिनिश हो गया है, सो अभी ये बड़ा वाला है। एंड देन मेरे पास ये चीज़ है, ये पॉन्स का बीबी क्रीम। मैंने इसका आइवरी शेड ले लिया है, मुझे नहीं पता ये मेरी स्किन टोन के साथ जाएगा भी या लाइट होगा, पता नहीं लस्सी क्या होता है क्या नहीं। ओके देन बेला वोस्टे का कॉम्पैक्ट है। देन ये मोडा का ब्लशर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, न्यूड पिंक पिची टाइप का है ये, सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन है ये शुगर का ब्लश, अगेन ये मेरा फेवरेट वाला ब्लश है। सो देन प्राइमर में मेरे पास और एक चीज़ है, ये लैक्मे का 925 नेचुरल एक्वा जेल। इसे आप एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ प्राइमर, एज अ मेकअप रिमूवर, हर तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, सो दिस इज अ मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट। सो और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने जब मैं गैंगटॉक गई थी ना तभी मैंने इसे लिया था वहीं से, ये एक मिरर है, बहुत ही क्यूट सा मिरर है, बट ये टूट चुका है, टूटा नहीं है बस निकल गया है, अभी मैं इसे खोल नहीं सकता, आई एम सो सॉरी। सी बहुत ही क्यूट सा है, बट बबल आएंगे तो फिक्स कर लेंगे, बहुत ही क्यूट है। अगर आपने मेरा गैंगटॉक वाला व्लॉग्स नहीं देखा है देन क्या कर रहे हो, जाके देख लो, मैं लिंक्स डाल रही हूँ नीचे। सो ये मिरर मैंने यहीं पर रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, दस आए। सो देन मेरे पास ये आई लैशेस है, मैग्नेटिक आई लैशेस, जिसे मैंने अमेजोन से लिया था एंड ये बहुत अच्छा वॉक करता है, स्टिक हो जाता है फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत अच्छा है। और ये जो आई लैशेस है ना, ये मैंने अपनी वेडिंग डे के लिए लिया था, बट मैं पहन नहीं पा रही थी क्योंकि आपको पता है
मुझे लैशेस पहनना नहीं आती, मतलब उतनी परफेक्टली मैं नहीं पहन सकती। कभी कभी एक बार एक दो बार मैंने पहन लिया है ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जो पार्लर से आई थी मेरी हेयर स्टाइल के लिए, उन्हें मैंने बोला तो उन्होंने भी सही से लगा नहीं पाया, तो मैंने इसे ऐसे रख दिया है। मैं यूज़ कर लूँगी फिर से इसे। ये वाइट टोन का फेस पाउडर मैंने छोटा सा ही लेके रखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही कम्पैक्ट लाने वाली हूँ, सो आई थॉट कि छोटा सा ही मेरा काम हो जाएगा, सो मैंने इसका छोटा सा ही ले रखा है। फिर यह है शुगर का ट्रांसल्यूशन पाउडर। ओके, सो यहाँ पर ना मैंने अपनी कर्टन्स रखे हुए हैं, कर्टन पैड्स। एक्चुअली ना मैं अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स एंड मेकअप प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करती, बट मैंने इसी को यहीं पर ही रख लिया था। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, बहुत ही अच्छा कॉटन पैड्स है। एंड देन मैंने अपनी फेस रेजर को यहीं पर रखा हुआ है, ये नीचे से गिर गया। ओके, सो दिस इज द रेजर। मेरे ना फेस कैसे शेव कर सकते हो गर्ल्स के लिए, आई थिंक एक दो वीडियोस बना के रखा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो ना देन देख लो, डिटेल में मैंने बनाया हुआ है। अगर आपकी आंखें ब्राउन स्किन है, आप किस तरह अपनी फेस को शेव कर सकते हो ताकि आपकी आंखें को भी इरिटेशन ना हो एंड आपकी फेस भी अच्छे से शेव हो जाए, करके रखा हुआ है, लिंक में दे दूंगी, अगर देखना है तो आप प्लीज जाके देख लो। सो यहाँ पर ना मैंने अपनी ब्यूटी ब्लेंडर भी रखा हुआ है, ये मैंने अपनी वेडिंग टाइम पे लिया था, बट मेरे काफ़ी लोगों की तो नहीं, बट अपनी फैमिली की मेकअप करी थी तो थोड़ा सा ना मतलब गंदा हो गया, बट मैं से मेकअप करने से पहले मैं हमेशा से क्लीन ही करती हूँ। एंड देन यहाँ पे हुडा ब्यूटी का पाउडर पफ है, ये एक्चुअली डुप्लीकेट है, ठीक है, जो बबल लाए थे मेरे लिए, उन्हें मिल गया था तो वो लेकर चले आए। सो अभी देखते हैं मेरे पास आई शेडो पैलेट। सो मैं आपको एक वन बाय वन दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर वैसे निकालूंगी तो सारा कुछ मैसी हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो इससे मैंने आपको दिखा दिया पर्पल का फेस पैलेट। सो फर्स्ट मेरे पास ये है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। इसमें से मोस्टली ना मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ, एंड ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया लेने, मतलब लिया था मैंने। देन मेरे पास ये है ELF का बाइट साइज आई शेडो पैलेट। ये मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है, छोटा सा है बट एकदम पिगमेंटेड है, क्यूट सा है, एंड कलर्स देखो, ये जो ब्लू कलर है ना ये मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा। देन ये हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो, सॉरी वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर। देन मेरे पास ये स्टे क्वारी का दो आई शेडो पैलेट्स है, बी माई विंक आई शेडो पैलेट्स। देन ये है मेबलिन लेमिनेट क्लेस आई शेडो पैलेट, ये भी मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है। इसे मैंने काफी दिनों से यूज नहीं करा है, सो कर लूंगी जल्दी से यूज। देन मेरे पास ये है NYBA का ब्लिंकिंग आई शेडो, ये वन सिंगल आई शेडो पैलेट है एक्चुअली। ओप्स, ओके। सो देन ये मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का ये छोटा सा आई शेडो पैलेट, इसे भी काफ़ी दिन हो गया है मुझे लेने में। सो देन ये कुछ पैलेट्स है, ये शुगर का फेस पैलेट है, ये शुगर का फेस पैलेट, इसमें ब्रॉन्जर हाइलाइटर एंड कॉन्टोर शेड आता है। सो देन मेरे पास ये है नायका का डे ड्रीमिंग आई शेडो पैलेट, दिस वन। यह है प्रिटी पिंक आई शेडो पैलेट फॉर मी, एंड इसी को यूज़ करके मैंने ना 10 डेज आई शेडो क्रिएट करा था, लाइक 10 डेज एंड 10 आई लुक्स। अगर आप देखना चाहते हो ना देन लिंक्स में दे दूंगी, देख लेना। देन आई हैव दिस आई शेडो पैलेट, दिस इज द ब्लेंड द रोल्स आई शेडो पैलेट फ्रॉम शुगर। ओके, सो ये है शुगर का आई शेडो पैलेट, एंड कलर्स आर सो प्रिटी एंड सो पिगमेंटेड। Here it is.
इसके साथ ना एक फुल साइज का मिरर भी आता है। तो नेक्स्ट मेरे पास ये मेकअप रिवोल्यूशन का क्रिएटिव वॉल्यूम 1 आई शेडो पैलेट है। इसमें इतने सारे कलर्स है, ब्राइट कलर्स है, न्यूड कलर्स है एंड शिमर्स है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, बहुत ज्यादा पसंद है ये चीज। एंड लास्टली मेरे पास ये चीज है, इसे मैंने रिसेंटली लिया था, कफ्स एंड लैशेस का एनचांटिंग आई शेडो पैलेट। हियर इट इज। इसमें न्यूड कलर्स है, शिमर्स है, ब्राइट कलर्स है एंड इसमें ग्लिटर आई शेडोज भी है जो कि बेस्ट है एंड इसके पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। लेट मी शो यू, काफी अच्छा है इसकी, सारे कलर्स के पिगमेंटेशन। मैंने सिर्फ आपको ग्लिटर्स के ही दिखाए हैं, बाकी सारे शेड्स का जो पिगमेंटेशन है ना बहुत ही अच्छा है। ओके सो ये रहा सेकंड बॉक्स जिसमें मेरा सारा आई प्रोडक्ट्स एंड लिपस्टिक्स है। सो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ है। सो पहले मेरे पास ये है प्लम का काजल, ये बहुत सारा ख़त्म हो गया है एंड इतना ही बचा हुआ है, मैं इसे रिस्टॉक करने वाली हूँ बहुत जल्दी। सो नेक्स्ट मेरे पास ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, मेबलिन का हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कारा। नेक्स्ट मेरे पास, मैंने आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये मिक्स ही है, सो मैं इसे अभी अलग करके अब आपको नहीं दिखा सकती। सो ये है बेला वोस्टे का अल्टीमेट लिक्विड मैट लिपस्टिक, ये ब्राउन एंड रेड कलर का मिक्सचर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। सो ये है न्यूड कलर का लिपस्टिक जो मुझे मेरी भाभी ने दिया था। देन ये है एन वाई बे का लिक्विड लिपस्टिक, इसका शेड ना मुझे पसंद नहीं आया, मैंने जब ऑर्डर करा था मुझे ब्राउन शेड का लगा सो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, बट ये ब्राउन कलर का नहीं है, ये समथिंग ना गॉथिक जैसे होता है ना उनका मेकअप वैसा मुझे लगा। मुझे ब्राउन कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इन दिस डेज, तो जहाँ से भी मैं ब्राउन देख रही हूँ वहाँ से मैं ले लेती हूँ। सो ये रहा मेरा लिक्विड सिंदूर, जब मैं गैंगटॉक गई थी ना मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इसे ले लिया था। देन ये है मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का मैट अल्टीमेट लिप कलर विद ऑर्गन ऑयल, ये इसका शेड आप देख सकते हो, ये है इसका शेड एंड इसे मैंने अप्लाई करा था मेरी एंगेजमेंट डे पे, बहुत अच्छा कलर आया था। एंड ये है बेला वोस्टे का लिक्विड डिप आईलाइनर, ये वाइट कलर का है। नेक्स्ट है ये नायका का अल्टीमेट अल्ट्रा मैट लिपस्टिक मिनी लिपस्टिक। सो नेक्स्ट मेरे पास ये है नायका का ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये है लैक्मे का फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये है मिस क्लियर का वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल, ये है ब्लू हेवन का आई लाइनर एंड देन आई हैव दिस लैक्मे दिवाली एडिशन लिप कलर। इसका रिव्यू भी मैंने करा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो देन आप देख सकते हो, लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट आई हैव दिस लैक्मे आइकॉनिक आई लाइनर, देन मेरे पास ये है ब्लू हेवन का हर्बल काजल, बहुत ही अच्छा है, पिगमेंटेड है बट उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये है शुगर का लिप गुड मूडी लिप क्रियॉन, ये है ब्लू हेवन का 24 आवर्स स्टे काजल, ये है आई लैशेस ग्लू मिस क्लियर का, ये है नायका ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड न्यूड एंड ये पिंक शेड का है, मुझे न्यूड काफी ज्यादा पसंद है।
इस तीनों शेड में. सो नेक्स्ट ये है अगेन अनदर शेड है नायका का मिनी मैट लिपस्टिक. यह है एंड बाय बे का आईब्रो पेंसिल एंड हियर इज माय फेवरेट मस्कारा फ्रॉम बेला वर्स्ट टू इन वन मस्कारा. देन आई हैव दिस मेबलिन सुपरस्टे मैट इंक. वो जो लैक्मे का था लैक्मे एब्सोल्यूट मैट लिप कलर एंड ये मेरी वेडिंग के लिए मैंने लिया था. उससे मैंने अपनी एंगेजमेंट पे पहना था एंड इससे मैंने अपनी वेडिंग पे. सो आई लव दिस शेड फॉर इफ यू वांट ब्राइट रेड शेड देन गो फॉर दिस वन. ये स्मश प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, फेड नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, बेस्ट है. सो देन आई हैव दिस शुगर स्मश मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक. मिनी लिपस्टिक है ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ब्राउन कलर का है ये. सो नेक्स्ट मेरे पास ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर. अगेन ये लिक्विड आईलाइनर है. ये प्लम का कटर काजल जो था ना उसके साथ ही आता है ये. एंड ये क्लचर एंड फिनिश. ओके सो दिस इज ऑल. आई होप आपको मेरा ये मेकअप कलेक्शन का वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वन एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.